आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। पंजाब में चुनाव का ऐलान होते ही प्रदेश के नेता तमाम धार्मिक स्थलों पर देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही डेरों में भी डेरा जमाते हुए नजर आ रहे हैं। रविवार को अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा के नेता बठिंडा में डेरा सच्चा सौदा की आयोजन में पहुंचे। बठिंडा में सलबतपुरा में डेरा सच्चा सौदा के डेरे पर भाजपा के नेता हरजीत ग्रोवाल, सुरजीत जियानी, कांग्रेस के मंत्री विजय इंदर सिंगला, पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोट, पूर्व विधायक हरमिंदर जोशी और मंगंत राय बंसल पहुंचे। वहीं नहीं, आम आदमी पार्टी के बठिंडा शहरी सीट के उम्मीदवार जगरूप गिल भी डेरे पर पहुंचे। बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के नेता गुलजार सिंह को भी वहां देखा गया। इन सभी नेताओं ने कहा कि उनकी विजिट राजनीतिक नहीं थी, लेकिन चुनाव के ऐलान के ठीक बाद पहुँचने से संकेत साफ था। इस कार्यक्रम में डेरा की राजनीतिक कमेटी के चेयरमैन राम सिंह और स्टेट कमेटी के सदस्य भी मौजूद थे। हालांकि अब तक डेरे की ओर से किसी नेता या दल के समर्थन के बारे में कुछ नहीं कहा गया। डेरा की ओर से ये कहा गया कि सही समय पर इस बारे में फैसला लिया जाएगा। हालांकि डेरा के सूत्रों का कहना है कि शायद इस बार किसी भी पार्टी के लिए समर्थन का ऐलान नहीं किया जाएगा। जी, आप सभी को बता दिए कि पूरे पंजाब में सच्चा सौदा के कुल 84 डेरे हैं। इनमें से सलबतपुरा समेत कुल 11 डेरे हैं, जो काफ़ी बड़े हैं। इसी को देखते हुए नेताओं ने डेरे के अनुयायियों का रुख करना भी शुरू कर दिया है। बठिंडा में सलबतपुरा के ही डेरे में 2007 में एक आयोजन में गुरमीत राम रहीम पर गुरु गोविंद सिंह जैसा वेश बनाने रहिंग पर गुरु गोविंद सिंह जैसा वेश बनाने पर विवाद छिड़ गया था। सिख समुदाय के लोगों का आरोप था कि उन्होंने गुरु की वेशभूषा धारण करके बेअदबी की है। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।